दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयशर ट्रैक्टर के बारे में, जो कि 557 मॉडल है। आप हमारे सामने देख सकते हैं एक्स्ट्रा इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी और हैवी ड्यूटी ये जो है ट्रैक्टर है। सामने की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पर हेडलाइट दिए गए हैं और आयशर का लोगो है। आगे आपको काफ़ी भारी इसके अंदर जो है बम्पर दिया जाता है, जो कि जब आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो आपकी चलाने की क्षमता को काफ़ी मतलब बैलेंस करके ये जो है चलाता है। इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर ड्यूल जो है पावर स्टीयरिंग दिए गए हैं, जो कि आप जब ट्रैक्टर को खेत वगैरह के अंदर चलाते हैं तो ईजिली जो है आप अपने ट्रैक्टर को काट भी पाते हैं। टायर की अगर हम बात करें दोस्तों तो काफ़ी बड़े टायर हैं इसके अंदर, और आगे वाला जो टायर है ये अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 9.5x24 का टायर आपको आगे की साइड में मिलता है, जो कि काफ़ी मतलब ग्रिपिंग के साथ में चलता है जब ट्रैक्टर आप इसको खेत वगैरह के अंदर चलाते हैं तो। और पीछे वाला टायर है यहाँ पर 16x28 का टायर आपको जो है पीछे की साइड में यहाँ पर दिया गया है। MRF के टायर है फिलहाल ट्रैक्टर के अंदर, और यहाँ पर आपको मिल जाती है इसके अंदर बैटरी और काफ़ी सारे फीचर से लेस है आयशर ट्रैक्टर 557, जिसके अंदर आपको फोर व्हील ड्राइव मिलती है। यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्रेकिंग की। यहाँ पर आपको ऑयल में भीगे हुए ब्रेक्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी इजी तरह से आप इनको लगा पाते हैं। साथ ही इसके अंदर अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि वाटर कूल्ड जो है इंजन है, डायरेक्ट इंजेक्शन पर काम करता है। 3300 cc का ये इंजन है। RPM की बात करें तो यहाँ पर आपको 2150 RPM इस ट्रैक्टर के साथ में मिलते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो दोस्तों लगभग 3 लीटर के आसपास डीजल जो है ये 1 घंटे के अंदर बर्न करता होगा, बाकी डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से चलाते हैं। 12 बोल्ट के यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस मिलते हैं और अल्टरनेटर जो इसके अंदर दिया गया है वो है 12 बोल्ट 23 एम्पियर का जो है यहाँ पर आपको अल्टरनेटर इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। ड्यूल क्लच सिस्टम मिलता है इसके अंदर। और ओवरऑल दोस्तों अगर इस ट्रैक्टर के हम व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 2020 mm का व्हील बेस मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 385 mm के आसपास का। और इसके अंदर अगर हम बात करें इसके ओवरऑल वेट की तो 2410 kg के आसपास जो है आपको इसका टोटल वेट देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। गियर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिए गए हैं ट्रैक्टर के अंदर, जो कि जब आप इसको चलाते हैं तो आप जो है काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस ट्रैक्टर के साथ में पाते हैं। कीमतों की अगर हम बात करें तो लगभग 9 लाख रुपए के जो है कीमतों के अंदर आप इसको अपने जो है किसानी के काम में जो है इस्तेमाल करने के लिए अपने घर लेके जा सकते हैं। एक अच्छी चीज़ दोस्तों आप देखेंगे जब आप ट्रैक्टर को चलाते हैं तो इंजन की हीट जो है वो आपके पैरों तक नहीं जाए, तो उसके लिए यहाँ पर जो है गार्ड वगैरह भी दिया गया है। यहाँ पर अगर हम इसके फ्यूल इंजेक्शन की बात करें तो बॉस कंपनी का जो है इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन जो है पंप का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो साइड से आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा जो है ये ट्रैक्टर नज़र आता है। 597 के रेटेड आपको यहाँ पर जो है इंजन RPM जो है PTO RPM यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। एयर क्लीनर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको 4 स्टेज के अंदर ऑयल बाथ टाइप का आपको जो है इसके अंदर एयर फिल्टर दिया गया है। दोस्तों आप पीछे की साइड से देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है लिफ्ट वगैरह मिल जाते हैं और ऑक्सिलरी कनेक्शंस के लिए यहाँ पर आपको तमाम सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपके रेटेड जो है PTO के RPM वगैरह आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और तमाम सारी एप्लीकेशंस में आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। पीछे की साइड में आपको पानी की बॉटल वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पर जगह दी जाती है। 2 लोग बैठ सकते हैं इस साइड में और इस साइड में। जब आपके ट्रैक्टर की आप जुताई करते हैं दिन और रात तो आपके जो किसान साथी होंगे आप उनको यहाँ पर बैठा पाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर जो है टूल बॉक्स भी दिया गया है, जो कि आपकी अप्रोच में है, इजीली जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। ड्राइवर के कंफर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो ड्राइवर सीट दी जाती है उसको आप आगे पीछे मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। और साइड में आपको यहाँ पर गियर दिए जाते हैं, जो कि जब आप ट्रैक्टर को चलाते हैं तो काफ़ी इजी होता है इनको ऑपरेट करना। यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग मिल ही जाता है, हाथ से भी आप इसकी जो है एक्सीलेटर को यूज़ कर सकते हैं। ये रेस वगैरह आपको यहाँ पर हाथ से भी मिल जाती है। ड्राइवर को देखने के लिए यहाँ पर एक मिरर भी दिया गया है, जिससे कि जब वो खेतों के अंदर अपना ट्रैक्टर चलाए तो उसके बाल बाल ख़राब हों तो उनको वो संवार सके। यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है एग्जॉस्ट, जिसको कि ऊपर की डायरेक्शन में दिया गया है, यानी कि जब इसका स्मोक निकलेगा तो वो ड्राइवर को मतलब हानि नहीं पहुंचा पाए। ऊपर चढ़ने के लिए देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर फुट पैड वगैरह दिए गए हैं और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, जिससे कि आप यहाँ पर आराम से बैठ करके अपने ट्रैक्टर को चला पाते हैं। हम ऊपर चलते हैं ट्रैक्टर के और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, या ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसके जो है ये PTO वगैरह के कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। ये गियर वगैरह आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं और इस तरह का जो है हमें यहाँ पर कारों के अंदर आने वाला जैसा सॉफ्ट स्टीयरिंग इसके अंदर मिलता है। ये पावर स्टीयरिंग है, काफ़ी इजी है
लाइट वेट है, इसको आप जो है इजीली इसके द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आजकल के जो ट्रैक्टर हैं वो काफ़ी लग्जूरियस आने लग गए हैं, क्योंकि किसान साथियों के लिए भी यहाँ पर ट्रैक्टर को दिन रात चलाना होता है, तो उनके कम्फर्ट का भी कंपनी के द्वारा पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर ये हॉर्न वगैरह मिल जाता है और मोबाइल चार्जिंग के ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। ये आपके लाइट वगैरह के कंट्रोल हो गए और ये आपके तमाम सारे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के ऊपर आपको जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होती रहती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको आइशर के शानदार ट्रैक्टर 557 के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है, और इसकी कीमतें थोड़ी सी भिन्न भी हो सकती हैं। एक टेंटेटिव आइडिया मैंने दिया है कि 9 लाख रुपये के आसपास की कीमतों के अंदर आप जो है इस ट्रैक्टर को अपने घर लेके जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।